हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार, केटीवा स्टाइल है सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिस लेटेस्ट हेयर स्टाइल हेयर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार, केटीवा स्टाइल है सर। आज आप लोगों के लिए लेके आए हूं लो बन हेयर स्टाइल दोस्तों, विद वेव्स पैटर्न के साथ में। सो इस हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आपने करनी है नीच एंड क्लीन ब्रो ड्राई। क्रिम्पिंग करनी है तो आप कर सकते हो मोर वॉल्यूम एंड टेक्स्चर के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैक पॉइंट पे ईयर के जस्ट टॉप कॉर्नर से आपने एक हॉरिजेंटल सेक्शन लेना है एंड इसकी पोनी बना लेनी है आपने। सबसे लोअर पॉइंट पे हॉरिजेंटल सेक्शन लेके इसको टॉप पॉइंट पे आपने बैक कॉम करना है, जैसे मैं कर रहा हूं अभी दोस्तों। जस्ट टॉप टॉप पॉइंट पे आपने इसको बैक कॉम करना है। डाउन पार्ट जो है इसका नीट होना चाहिए, टॉप पार्ट पे केवल आपने बैक कॉम करना है। ये डोनट का नेट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टफिंग के लिए, या लॉन्ग स्टफिंग आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसको हम स्ट्रेच करके फोल्ड करके डोनट का नेट ओपन करके हमने ये स्टफिंग बनाई है, या नेट हम लगा रहे हैं। इसको जस्ट ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड ईयर के जस्ट पीछे आपके नेक को टच करते हुए, जहाँ पे आपने जितने लो पॉइंट पे आपको ये बन चाहिए, बिल्कुल लो पॉइंट पे होना चाहिए वैसे। एंड बॉबी पिन से हम इसको ग्रिप कर रहे हैं, बॉबी पिन से आप इसको लॉक करेंगे, जूड़ा पिन से नहीं करना दोस्तों। जूड़ा पिन से ये ज़्यादा टाइट नहीं हो पाएगा, लूज़ रहेगा काफ़ी। तो बेटर रहे कि आप इस पर जो है बॉबी पिन यूज़ करें इसकी लॉकिंग के लिए। एंड देन इसको आपने चारों तरफ से इसको सिक्योर करना है। फ्रंट के हेयर आपने ऊपर रखने हैं ताकि आप इसका बेस आप चेक कर सकें कि आपके कितना आउट बैकग्राउंड इसका कितना आ रहा है। मतलब फ्रंट से आप जब मिरर की तरफ देखेंगे तो दोनों साइड पे आप देख सकेंगे कि आपके नेक से कितना आउट जा रहा है। दोनों तरफ का बराबर आपने बैलेंस रखना है। बॉबी पिन से आप इसको टाइट करके लॉक कर लेंगे, कॉर्नर से, अदर कॉर्नर से, टॉप पॉइंट से और लो पॉइंट से भी आपने इसको बॉबी पिन से टाइट करके लॉक करना है। थोड़ा केयरफुली आपको ये लगानी है बॉबी पिन्स, क्लाइंट को हर्ट ना करें। ये देखिए, टाइट करके आपने इसको बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है दोस्तों। जुड़ा पिन ना लगाएं, अगर आप जुड़ा पिन लगाएंगे इजी रहती हैं लगाने में, लेकिन वो ज़्यादा टाइट इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप बॉबी पिन से ही इसको लॉक करें, क्योंकि अभी सारा पैटर्न जो है इसके ऊपर ही ओवरलोडेड होना है। तो आपको बेस जो है वो थोड़ा सॉलिड लॉक ही करना है। बेस जो है दोस्तों आपने ज़्यादा पॉप आउट नहीं करना है, मीन्स ज़्यादा वॉल्यूम नहीं क्रिएट करना है इसमें। थोड़ा सा ही आपने वॉल्यूम देना है, कि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो जो नीचे जो आने वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन्स लो वाला पॉइंट थोड़ा आउटर, अंदर वाला पॉइंट जो अपवर्ड पैटर्न आप देंगे वो थोड़ा अंदर हो जाएगा। इसलिए आपको इसको मीडियम वॉल्यूम में ही देना है, ज़्यादा वॉल्यूमाइज नहीं करना है, या ज़्यादा बड़ी थिक एंड ज़्यादा हैवी स्टफिंग आपने इसमें नहीं लगानी है। देन सारे हेयर को ओपन कर लेंगे। टॉप एरिया पे एक आपने छोटा सा सेक्शन लेना है, ये देखे, एंड इसको रूट एरिया पे हम बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम केवल रूट एरिया पे जाना चाहिए। देखिए, मैंने जस्ट रूट रूट एरिया पे ही इसको बैक कॉम किया है और पीछे पीछे होल्ड स्प्रे करेंगे। अभी मैं टाफ्ट का हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, 6 लेवल का। इस हेयर को जस्ट हम आगे की तरफ डालेंगे। साइड से भी एक सेम थिकनेस का सेक्शन लेना है, इसको भी बैक कॉम करेंगे एंड देन जस्ट फ्रंट की तरफ बैक कॉमिंग पे स्प्रे करना ज़रूरी है ताकि वो लॉक हो जाए। अदर साइड से भी एक और सेक्शन लिया, बैक कॉम किया, उसको भी फ्रंट की तरफ। देन सारे सेक्शन को बैक की तरफ आप प्लेस करेंगे। ये देखिए, बैक कॉम कर लिया हमने एंड उसको हम पीछे की तरफ डाल रहे हैं सारे सेक्शंस को। तो ये बैक वॉल्यूम के लिए हमने पीछे के सेक्शन लिए हैं। और अभी आपने फ्रंट से भी पफ बनाना है, मीन्स पफ के लिए आपने सेक्शनिंग लेने हैं। सबसे पहले आपने एक ब्रॉड सेक्शन लेना है टॉप एरिया पे, आपके रिसेजन टू रिसेजन एरिया के अकॉर्डिंगली बैक कॉम करेंगे आप इसको। बैक कॉम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा और रूट एरिया पे करना है, क्रॉस नहीं करना चाहिए सेक्शन को। टाफ्ट का स्प्रे करेंगे, होल्डिंग स्प्रे। टाफ्ट नहीं है तो कोई सा भी होल्डिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, नोवा, गैट्सबी, कोई सा भी होल्डिंग स्प्रे आपके पास में अवेलेबल हो तो यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो। एंड देन ये साइड से भी एक और थिकनेस का सेक्शन लेना है आपने। बैक कॉम करेंगे ऑन बैक एरिया एंड देन होल्डिंग स्प्रे उसके ऊपर और इसको भी जस्ट बैकवर्ड की तरफ। अदर साइड से भी सेम थिकनेस का सेक्शन लेंगे हम। ये देखिए, अदर साइड से भी आपने सेक्शन लेना है, थोड़ा थिक सेक्शन रखेंगे ताकि आप बैक कॉम इस पर अच्छे से कर पाएँ, वॉल्यूम अच्छे से क्रिएट हो पाए। साइड वॉल्यूम इसको भी बैक कॉम करेंगे ऑन रूट एरिया। बैक कॉम पीछे पीछे रखना है आपने, सेक्शन को क्रॉस नहीं करना, मीन्स क्रॉस बैक कॉमिंग नहीं करनी है आपने। देन स्प्रे करेंगे टॉप का अगेन रूट एरिया पे, इसको भी बैकवर्ड की तरफ। देखिए, साइड वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से इनहेंस हो गया है। एंड देन लास्ट सेक्शन आएगा अभी टॉप एरिया पे, ताकि आपका सारा जो टॉप एरिया का वॉल्यूम है वो पूरा राउंड शेप में आ जाए
और आपका पफ जो है इक्वल लगे। ये देखिए, ये हमने जो है लास्ट, ये आपका टॉप एरिया का सेक्शन है, थोड़ा थिक सेक्शन रहेगा, ब्रॉड बैक कॉमिंग ऑन रूट एरिया अगेन, देन ट्राफ्ट का हेयर स्प्रे दूर से कीजिएगा एंड देन इसको हल्का सा प्रेस करेंगे यार बैकवर्ड की तरफ। अब आपने इसको कॉम करना है, जहाँ पे हेयर आपका डिसकनेक्टेड है इसको नीट करें, फिनिशिंग दें इसको, पार्टिंग डिसाइड कर लें लेफ्ट या राइट जिधर भी आपने देना है। वैसे ये वेव्स पैटर्न है, आपने देखना है फेस के अकॉर्डिंगली, जिधर ज़्यादा अच्छी लुक आएगी आपने उधर ही जो है क्लाइंट का हेयर का फॉल देना है, या क्लाइंट के कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग जिधर वो पार्टीशन रखते हों। देन ये दोनों तरफ आपने वुडन स्टिक लगानी है इसकी होल्डिंग के लिए, कि जो पीछे के हेयर हैं वो इस वुडन स्टिक के अंडर में रहेंगे। बाल को नेचुरल फॉल में ही जाना देना है आपने, एक पॉइंट पे श्रिंक नहीं करना। ये देखिए साइड के हेयर नीचे जा रहे हैं और दोनों अपने नेचुरल फॉल पे हैं। उसी का स्प्रे किया हमने, इसको टैंगल फ्री कर रहे हैं। ये सारा बाल टैंगल फ्री होना चाहिए टॉप से, मतलब बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाल आपका उलझ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हम डीप लेयर बनाने जा रहे हैं। साइड पार्टीशन अभी हम इधर लेफ्ट की साइड में पार्टीशन हम रख रहे हैं। देन ये टेक्सचर कॉम लेनी है आपने हल्का सा, ये देखिए फिंगर्स की टिप्स से आपने लाइन को ऊपर उठाना है। ये देखिए होल्ड स्प्रे करेंगे अगेन, पहले टेक्सचराइजिंग कॉम अपने यूज़ करनी है, अगेन फिंगर की टिप्स से लाइंस को उठाया, जस्ट लो पॉइंट तक ड्रॉ किया, जूड़ा पिन लगानी है आपने होल्डिंग के लिए, अगेन इसको टॉप पॉइंट पे किया, जूड़ा पिन हमने होल्डिंग के लिए लगा ली है इसके ऊपर। ये देखिए जस्ट वर्टिकल आपने ये जूड़ा पिन लगानी है, ये होल्डिंग के लिए लगानी है, ऐसा ना लगाएं कि ये आपकी लेयर्स को वेटेड कर रहे हो, मीन्स आपके लेयर्स को डाउन कर रहे हो, तो ऐसा आपने लगानी नहीं है, जस्ट वर्टिकल लगाएं। साथ साथ में हम लेयर्स बना रहे हैं, फिंगर्स की टिप्स से जस्ट आपको इसको ऊपर की तरफ उठाना है और देन उसको नीट करते हुए बैकवर्ड की तरफ ले जाना है। ये देखिए अभी हम जस्ट सॉफ्ट हेयर पे ही, मीन्स ड्राई हेयर पे ही ये लेयर्स बना रहे हैं, अभी हमने कोई होल्डिंग पावर का स्प्रे नहीं यूज़ किया। ये देखिए जस्ट पहले ड्राई हेयर पे हम लेयर्स बना रहे हैं, ताकि अगर हमसे ये लाइंस अगर ख़राब भी होती हैं तो हम इसको दोबारा से बना पाएँ, अभी हमने कोई स्प्रे नहीं किया। उसी का स्प्रे आप कर सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि उसका होल्ड नहीं होता, जस्ट शाइनिंग इफेक्ट आ जाएगा, हल्का सा कंट्रोल भी मिलता है आपको, लाइट कंट्रोल। ये देखिए अदर साइड से भी जस्ट फिंगर्स की टिप से आपने लाइंस को ऊपर उठाना है। ये देखिए होल्डिंग के लिए जूड़ा पिन लगा दें, जहाँ भी जिस शेप में आपको ये लाइंस चाहिए। अभी एक कॉर्नर पे हमने लेयर नहीं बनाई, बिकॉज इधर वेव्स पैटर्न आना है, तो यहाँ बनाने का फ़ायदा नहीं है इस पॉइंट पे। अब हम इसको फिक्स करते हैं, टाफ्ट का 6 नंबर का होल्ड पावर का स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी लेयर्स आपकी जो हमने सी शेप में जो स्टफिंग लगाई थी उसके टॉप एरिया पे हम इसको पीछे जाके लॉक करेंगे। अभी पहले जो हमने लेयर बनाई हुई हैं इनको हम टाफ्ट के स्प्रे से दूर से स्प्रे करना है दोस्तों। ये देखिए दूर से स्प्रे कर रहे हैं और जस्ट आपने 1-2-1-2 करके आपने ये स्प्रे करना है 2 times, 1-2-1-2-1-2 ऐसे करके आपने 2 times आपने एक बार एक लेयर पे डालना है। हर एक लेयर को आपने ये स्प्रे करना है, दूर से कीजिएगा क्योंकि पास से करेंगे तो बहुत स्टिकी हो जाएगा, दूर से करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके लेयर्स पे, और आप चाहे अगर ख़राब भी हो गया तो आप उसको दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन बहुत पास से स्प्रे करेंगे तो वो बिल्कुल स्टिकी हो जाता है, बहुत वाटरी हो जाता है, आपके हाथ भी चिपकते हैं, फिंगर्स भी चिपकते हैं और आपके लेयर्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, दूर से स्प्रे करना है एंड देन उसको सेट करते चले जाना है। ये देखिए सारी लेयर्स को हम होल्डेड स्प्रे से सेट कर रहे हैं, 6 लेवल के होल्डिंग स्प्रे से। 5 लेवल का हो तो भी चलेगा, 4 लेवल का हो तो भी चलेगा फिक्स करने के लिए। 6 लेवल का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये क्विक फिक्स कर देता है, जैसे आपको बाल चाहिए एग्जैक्टली वहीं पे ये सेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको फिक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ये देखिए साइड की भी लेयर्स हमने बना ली हैं। ये देखिए फिनिशिंग देंगे जो छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स हैं, या जो आपके एरी हेयर होते हैं, या ब्रेकेज हेयर जो होते हैं, उनको आपने उन्हीं की डाउनवर्ड्स की तरफ आपने प्लेस करना है। ये देखिए जस्ट स्टफिंग के टॉप पॉइंट पे हम बॉबी पिन से इसको लॉक कर रहे हैं, थोड़ा डायगोनली आप इसको लॉक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगानी पिन्स, थोड़ा डायगोनली रखेंगे। ये समझ लीजिए कि आप एक लेयर्स को एक बॉबी पिन से लॉक कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा तिरछा जाना है, मीन्स आप क्या कौन सा एंगल मान के चलिए, 45 डिग्री या 30 डिग्री के आप लाइक एंगल पे आप इसको जो है इंसर्ट कर रहे हैं।
थोड़ा सा डायगोनली रखना है, स्ट्रेट नहीं लगाना आपने इसमें। अगर स्ट्रेट लगाएंगे तो जब आप वेव्स पैटर्न बना रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको जस्ट डायगोनल लगा रहे हैं, तिरछा। या तो आप इसको जैसे जूड़ा पिन की तरह भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो वर्टिकली, बट ऊपर की लेयर ख़राब नहीं होनी चाहिए। जस्ट साइलेंट लॉक आप इसको करोगे आराम से कि आपकी स्टाइलिंग ख़राब ना हो। ये देखिए बाल जिस फॉल में, नेचुरल फॉल में ही हमने इसको लॉक कर रहे हैं। देखिए सारे बाल अपने अपने नेचुरल फॉल में जा रहे हैं, मीन्स जो बाल जहाँ गिर रहा है नेचुरल फॉल के अकॉर्डिंगली हमने उसको वहीं पे ही लॉक किया है, कोई एक सेंटर पॉइंट पे लेके आके हमने उसको लॉक नहीं किया उसके नेचुरल फॉल में। नेचुरल फॉल का मतलब है जो बाल जिस डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है उसको उसी पोजिशंस में उसको लॉक करके रखना। जो सारे हेयर अपने नेचुरल फॉल में जा रहे हैं तो वहीं पर हमने इसको लॉक किया है बाई बॉबी पिन के थ्रू। एंड ये सारी लेयर्स जब फिक्स हो जाती हैं तो आपने इसको होल्ड स्प्रे से फिक्स करना है। अभी लेयर्स बन चुकी हैं ड्राई हेयर के ऊपर तो हम हार्ड स्प्रे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब हम श्योर हो चुके हैं लाइंस बन चुकी हैं, तो हम इनको फिक्स कर रहे हैं बाय हार्ड स्प्रे के थ्रू। बाकी लॉक करने के बाद नीचे के जो भी हेयर हैं उस इसका स्प्रे किया पहले हमने, एंड इसको कॉम करेंगे। हाथ पहले ऊपर रखिएगा, थोड़ा प्रेस कीजिएगा देन कॉम कीजिएगा, बिकॉज़ ये सारे हेयर आपके लेयर्स से कनेक्टेड हैं, नहीं तो आपकी लेयर्स ख़राब हो सकती हैं। तो जस्ट होल्ड रखिए। देखिए ये इस तरीके से आपने ये लेयर बना लेनी है। ये देखिए होल्डिंग स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं जो लेयर्स आपने बना ली हैं। दोस्तों हम स्प्रे कर रहे हैं लेकिन काफ़ी दूर से कर रहे हैं तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। देन फ्रंट पे चलते हैं, एक डायगोनल बैकवर्ड की तरफ आपने सेक्शन लेना है। ये देखिए इस तरीके से वे फ्रंट का सेक्शन इनके फोरहेड को कवर करेगा। जैसे अगर किसी के फोरहेड हैवी भी हैं तो आप फोरहेड को भी कवर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये थिक सेक्शन था तो इसको हमने डायगोनल बैकवर्ड एक सेक्शन लिया, इसको आपने कॉम करना है। ये देखिए कॉम किया, अगर वॉल्यूम चाहिए तो बैक कॉम कर सकते हैं। हल्का सा ट्विस्ट करना है, ये देखिए हल्का सा ट्विस्ट किया बैकवर्ड की तरफ, या फ्रंट की तरफ भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रंट की तरफ या तो फिर इसको बैकवर्ड की तरफ, ये हमने बैकवर्ड की तरफ किया है। एंड देन पुलिंग टेक्निक से आपने इसमें लेयर्स बनानी है 1, 2 एंड 3, 4। ऐसे आपने हल्की पुलिंग टेक्निक से लेयर बनानी है। हाइट आपने थोड़ी कम ही रखनी है, मींस जो पीछे आपने टॉप एरिया पे लेयर्स बनाई हैं उनसे थोड़ी कम रखेंगे ताकि पीछे का पैटर्न भी दिखे। ये देखिए जस्ट नीट हैंड से आपने इसको बनाना है, होल्ड स्प्रे साथ साथ यूज़ कर रहे हैं। एंड जहाँ पे आपने इसको होल्ड रखा है उससे नीचे आके आपने इसको लॉक करना है, ठीक है। ये देखिए दो फिंगर से हमने होल्डिंग पे रखा है, ये साइड से देख लीजिए, फिर नीचे आए दूसरे फिंगर से होल्ड किया, थोड़ा नीचे आए। अब हम इसको बॉबी पिन से लॉक कर रहे हैं, केवल एक बॉबी पिन से आप इसको लॉक करेंगे। बड़ी बॉबी पिन से लॉक कीजिएगा, छोटी बॉबी पिन से नहीं, क्योंकि छोटी बॉबी पिन में ग्रिप काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप उसको लगाओगे तो लगाने के दौरान आप अपने लेयर्स को ख़राब कर सकते हैं, तो बड़ी बॉबी पिन से भी ये लॉक हो जाएगा। देन अगेन दूसरा सेक्शन लिया आपने, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, थोड़ा तिरछा सेक्शन लिया पीछे की तरफ, इसको कॉम करेंगे। हल्का सा आपने इसमें टर्न कर्व बनाना है, फ्रंट की तरफ इसको स्प्रेड करेंगे फोरहेड के लिए। फोरहेड कितना फॉल चाहिए डिपेंड करता है आपके ऊपर है, क्लाइंट के फेस के ऊपर। ये देखिए हम हल्का सा हमने स्प्रेडिंग करी इसको, एंड देन इस पे ऊपर आपने पुलिंग टेक्निक, ऊपर की तरफ इसको उठाना है और हल्की हल्की लेयर्स आपने इसमें विजिबल करनी है। ये देखिए इस तरीके से। देन होल्डिंग स्प्रे यूज़ करेंगे टाफ्ट का स्प्रे इसकी फिक्सिंग के लिए। जस्ट छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स हैं उनको इसी डायरेक्शन में आपने प्ले करना है जिस डायरेक्शन में आपने ये फॉल दिया हुआ है। दोस्तों जो छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स आते हैं उनको आपने इसी तरीके से मेंटेन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं तो स्प्रे की मदद से आपको उनको होल्ड करना पड़ेगा। ये वुडन स्टिक हम लगा रहे हैं, जैसे हल्का सा प्रेस किया डाउनवर्ड्स की तरफ और फिर आपने ये वुडन स्टिक ऊपर की तरफ हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। ध्यान से लगाएं, देन पीछे इसको फिंगर से ग्रिप किया एंड इसको ऊपर की तरफ भी स्प्रेड करना है। ये देखिए ऊपर की तरफ हमने इसको स्प्रेड कर लिया है। स्प्रे करेंगे बैक पॉइंट पे, फिर फ्रंट पॉइंट पे, और उसको जहाँ पे आपने लॉक करना है वहाँ पे हम इसको वुडन स्टिक से अगेन होल्डिंग के लिए रख लेंगे। एंड बाद में हम इनके बीच बीच में जहाँ पे आपने वुडन स्टिक लगाई है जिस एंगल पे, उसी एंगल पे आपने फाइन इनविजिबल पिन लगानी है और इस पैटर्न को लॉक कर लेना है। ये देखिए पुलिंग टेक्निक से लेयर्स को और भी डिफाइन कर सकते हैं और भी विजिबल कर सकते हैं। दोस्तों क्रिम्पिंग कर सकते हैं आप सभी लोग इस पैटर्न के लिए, क्योंकि वॉल्यूम एंड टेक्सचर दोनों मिल जाएगा। जब ये वेव पैटर्न आप बना रहे होंगे तो इसकी शार्पनेस काफ़ी अच्छी आएगी क्रिम्पिंग के बाद।
देन ये डाउनवर्ड्स पैटर्न, आपने ये जो सेक्शन छूटा हुआ है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, और इसको जैसा आपने एक अगेन फ्रंट की तरफ स्प्रेड होगा डाउन की तरफ, और फिर यही वे पैटर्न आपने उसमें भी क्लियर करना है। अगेन एक और सेक्शन, ये देखिए इसको दो सेक्शन में हम डिवाइड करने वाले हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, पहले फ्रंट वाला सेक्शन आएगा, इस सेक्शन को हमने दूसरे वाले सेक्शन को डाउनवर्ड्स की तरफ छोड़ दिया, उसे इसका स्प्रे करेंगे फॉर शाइनिंग के लिए, कॉम किया अगेन इसको डाउनवर्ड्स की तरफ स्प्रेड किया, जो ऊपर वाला पैटर्न गया है उसी के जस्ट सामने रखेंगे इसको, फिर ऊपर की तरफ भी इसको स्प्रेड करेंगे। ये वुडन स्टिक ध्यान से लगानी है आपने, क्योंकि कई बार ये अनफिनिश भी होती हैं तो आपकी हेयर स्टाइलिंग भी ख़राब हो सकती है। देन ऊपर की तरफ भी इसको आप स्प्रेड करेंगे, साथ साथ में होल्डिंग का स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं ताकि ये पैटर्न जो हम बना रहे हैं वो साथ साथ में लॉक भी होता चले जाए। ये देखिए वुडन स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, वुडन स्टिक नहीं है तो जूटा पिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी होल्डेड हो जाती हैं। ये बड़ी जूटा पिन है आपके पास में जिनकी लेंथ अच्छी होती है, वो भी आज यूज़ कर सकते हो आप। अगेन दूसरा सेक्शन, इसको फ्रंट डाउनवर्ड की तरफ स्प्रेड करना है, ये टाफ्ट का स्प्रे करना है फॉर होल्डिंग के लिए, अगेन वुडन स्टिक लगाई। अब हम ऑलमोस्ट बेस के ऊपर आ गए हैं, इसलिए हम ये वुडन स्टिक बेस के ऊपर आराम से स्प्रे करेंगे। ये देखिए जस्ट जैसे आप जितनी वुडन स्टिक हम लगा रहे हैं उतनी आपकी लेयर्स इसमें विजिबल हो रही हैं। देन लास्ट सेक्शन को भी कॉम करना है और उसको जो है ऊपर की तरफ आपने स्प्रेडिंग करनी है। अब ये इसका लुक जो है वो बिल्कुल पीछे चले जाएगा, बैकवर्ड पैटर्न है, अब ये इसका वेव पैटर्न पीछे की तरफ शो होएगा। तो आपने इसको कॉम करना है और अब बैक पैटर्न बनाना है, बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर इसको स्प्रेडिंग करनी है, बैक व्यू से इसको शो करना है। टाफ्ट का स्प्रे किया बैक पॉइंट पे ताकि ये आपके जो लेयर्स हैं उनके साथ में जॉइंट हो जाए। इसको सेट करने के लिए वुडन स्टिक लगानी है आपने होल्डिंग के लिए, या जूड़ा पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम पैटर्न बना रहे हैं तो आपने जूड़ा पिन या वुडन स्टिक ही यूज़ करनी है इनकी होल्डिंग के लिए। जैसे जैसे हम हार्ड स्प्रे यूज़ करते चले जाएंगे ये पैटर्न हमारा सेट होता चला जाएगा, और लास्ट में फाइन इनविजिबल पिन्स भी आपने यूज़ करनी है। अब इस सेक्शन का जो लास्ट पॉइंट छूट गया है उसको आपने बेस में इंसर्ट कर देना है, या बेस के साथ में इसको एडजस्ट कर देना है। देन ये दूसरा सेक्शन, इसको भी हम करेंगे कॉम, पहले ध्यान से कॉम कीजिएगा जस्ट लाइट हैंड से, ऊपर की लेयर ख़राब ना हो। ओसिस का स्प्रे किया, देन इसको दो फिंगर से होल्ड किया एंड देन डाउनवर्ड की तरफ स्प्रेडिंग, एंड देन इसको भी आपने जो है वुडन स्टिक से या जूड़ा पिन से होल्डिंग के लिए लगाना है। 1 2 एंड ये वुडन स्टिक जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए और पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। एंड अब इसने ऊपर की तरफ स्प्रेड होना है, बिल्कुल जो पैटर्न हमने पहले बनाया था उसी के बराबर में, बराबर हाइट में आपने इसको ऊपर की तरफ भी स्प्रेड करना है। अभी हम ये जूड़ा पिन लगा रहे हैं कि सेक्शन हाथ से छूटे ना, पैटर्न एज इट इज़ रहे। कॉम किया जिस पॉइंट को, और इसको भी देखिए ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे, कि देखिए ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे, बराबर हाइट देनी है जो बगल वाला सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली हम इस पर भी हाइट दे रहे हैं। यार वुडन स्टिक आपने लगा लेनी है इसके अंदर, 1 2 एंड ये थर्ड, बीच बीच में ये जूड़ा पिंस भी आप लगाएं, फिंगर्स की टिप से लेयर्स को और भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, एंड इस सेक्शन का जो एजेस पॉइंट है मीन्स जो बचे हुए बाल हैं वो नीचे बेस में एडजस्ट हो जाएंगे, या तो नए सेक्शन के साथ में आप इसको मर्ज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे नीड नहीं है, आप इसको बेस में लॉक कर सकते हैं। अगेन दूसरा सेक्शन लिया आपने डाउनवर्ड्स की तरफ से, इसको भी कॉम करना है, ध्यान से कॉम कीजिएगा बिकॉज लेयर से कनेक्टेड है ये हेयर आपका। एंड इसको जस्ट नीचे की तरफ स्प्रेडिंग करेंगे सेम टेक्निक से, कॉम करेंगे पहले एंड देन सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ, और इसको जस्ट आपने डाउनवर्ड्स की तरफ स्प्रेडिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये फिर से दिखा देता हूँ, डाउनवर्ड्स की तरफ स्प्रेडिंग, वुडन स्टिक का यूज़ करेंगे अगेन फॉर द होल्डिंग के लिए।
एंड रेस्ट पॉइंट को भी ऊपर की तरफ स्प्रेड करना है, मतलब एक सेक्शन आपका स्प्रेडिंग डाउनवर्ड्स की तरफ और उसका ऊपर का छोर भी आपने बनाना है डाउन और अपवर्ड्स, डाउन और अपवर्ड्स। वुडन स्टिक यूज़ करनी है दोस्तों आपने इसकी होल्डिंग के लिए, और बीच बीच में आपने फाइन इनविजिबल पिंस इसकी लॉकिंग के लिए लगानी है, या जुड़ा पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं उनकी लॉकिंग के लिए। होल्ड स्प्रे करते चले जाएंगे साथ साथ ताकि आपका पैटर्न, जो वेव पैटर्न आपने बनाया हुआ है, वो साथ साथ लॉक भी होता चले जाए। इन बिटवीन छोटे छोटे जो फ्लाई हेयर्स आते हैं वो भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन सेम डायरेक्शन में पहले ओसिस का हेयर स्प्रे करें सेक्शन के ऊपर, ताकि उस पर शाइनिंग भी आए, छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स हैं वो भी आपके अदर हेयर्स के साथ में ईजिली बैठ जाएंगे, एंड देन उसको स्प्रेडिंग करें तो आपकी जो छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स हैं वो भी आपकी कवरेज पे आ जाएंगे। अगेन एक और सेक्शन लिया, ये देखिए कॉम करेंगे, स्प्रेडिंग के लिए पतला सा सेक्शन चाहिए, इसको स्प्रेड किया डाउनवर्ड्स की तरफ, बाकी हेयर को हम साइड पे ले गए हैं, फ्रंट की तरफ आपने इनको डाल दिया, स्प्रेडिंग करेंगे डाउनवर्ड्स। एंड देन ये वुडन स्टिक, ये जो हमने स्टफिंग लगाई है या जो बेस आपने यूज़ किया है, सारी वुडन स्टिक उसके ऊपर ही होल्डेड हो रही हैं और डाउनवर्ड्स पैटर्न सारा उसी के ऊपर आ रहा है। ये देखिए डाउनवर्ड्स की तरफ स्प्रेडिंग करने के बाद अब लास्ट पॉइंट है, इसको ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे, ये देखिए। एंड देन अगेन वुडन स्टिक यूज़ करनी है उसकी टॉप पॉइंट की होल्डिंग के लिए। अगेन ध्यान से यूज़ कीजिएगा बिकॉज वुडन स्टिक काफ़ी शार्प होती हैं, ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट के सिर पे चुभो दें, तो ध्यान से यूज़ कीजिएगा, लाइट हैंड से यूज़ कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए एंड देन इस तरीके से आपने इसको होल्डिंग पे रखना है, एंड पैटर्न जितना हाइट चाहिए तो आप ऊपर वाले जो आपने ऊपर पॉइंट पे स्प्रेड किया उसको आपने हाइट बढ़ा देनी है। ये देखिए ये लास्ट सेक्शन एक्स्ट्रा सेक्शन है, ये छूटा हुआ है, इसको आप बेस में ही इंसर्ट कर दें। ये देखिए जुड़ा पिन से हमने जस्ट या फाइन पिन से आपने इसको लॉक करके बेस के नीचे वाले पॉइंट पे ही छुपा देना है। स्प्रे करेंगे, ट्राफ्ट का स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं, वेस पैटर्न आपने बना लिया है टोटली, छोटे छोटे जो फ्लाई हेयर्स हैं इनको अब एक साथ फिंगर पे रूल करके जैसे आपने फाइन पिन से ये भी बेस के अंदर छुपा देने हैं। नीटनेस रखें स्टाइलिंग में, जिस भी सेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन करके बनाएं तो काफ़ी अच्छी लुक आती है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। देन ये सारे हेयर एक्स्ट्राज हैं, इनको आपने बेस में ही छुपाना है, जो ये साइड में हेयर है और दिखने नहीं चाहिए, पैटर्न के साथ में मर्ज हो जाने चाहिए। साइड पैटर्न को पहले हमने क्लियर किया एंड देन इन सारे हेयर को, जो पहले ही जो साइड वाला पैटर्न है उसको आपने साइड वाले हेयर के साथ में जस्ट ट्विस्ट किया। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हेयर है तो हमने इनको ट्विस्ट करके इसके वॉल्यूम को कम कर लिया है, एंड देन इसको जस्ट बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे और बेस में इंसर्ट कर लेंगे। टाफ्ट का स्प्रे किया फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए दोबारा से बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे, टेलकॉम से होल्ड किया, एंड यहीं इसी तरीके से हम इसको जो है पीछे लॉक करने वाले हैं। पहले हमने इसको स्टील की क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप से हमने इसको होल्डिंग के लिए रख लेते हैं कॉर्नर पे, ये क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप इसकी होल्डिंग के लिए कि जो ट्विस्ट हमने किया है वो खुले ना। अब ये सारी वुडन स्टिक को पहले हम हटा लेते हैं इसकी लॉकिंग से पहले, तो जो जुड़ा पिन हमने होल्डिंग के लिए लगाई थी उनकी हमने उसी एंगल में सेक्शन के अकॉर्डिंगली हॉरिजेंटली आपने उसको ऊपर की तरफ जो है बराबर में सेक्शन के बराबर जैसे आपने उसको होल्डिंग के लिए लगाया बेस में अंदर आपने इंसर्ट कर देनी है। जितनी जुड़ा पिन की नीड हो वो अंदर इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्राज हो वहाँ पे आपने हटा देनी है। ये देखिए तो आपका पैटर्न सेट होते चले जाएगा। वुडन स्टिक को रिमूव करें, बीच बीच में जुड़ा पिन या फाइन पिन को यूज़ करें लॉकिंग के लिए। दोस्तों जुड़ा पिन ध्यान से निकाल, ये वुडन स्टिक ध्यान से निकालिएगा क्योंकि जब आप इसको आउट करते हैं तो काफ़ी सारी अनफिनिश होती हैं, तो स्टालिंग बाहर आ सकती है या बाल फ्रिजी हो सकता है। थोड़ा ध्यान से इनको यूज़ कीजिएगा, फिनिशिंग होनी चाहिए इन वुडन स्टिक में। फाइन पिन हम लॉकिंग के लिए लगाए जा रहे हैं साथ साथ सेक्शन के अकॉर्डिंगली, जैसे हमारा पैटर्न बना हुआ है उसी के हॉरिजेंटली हम ये फाइन पिन लगा रहे हैं ताकि ये लॉक भी हो जाए और पिंस दिखे भी ना। पिंस बिल्कुल बराबर में हम लगा रहे हैं, हॉरिजेंटली लगा रहे हैं, जैसे पैटर्न हमारा गया है उसी के अकॉर्डिंगली हॉरिजेंटली हम इसको फाइन पिंस को इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी फाइन पिंस दिखते भी नहीं हैं और ये लॉक भी हो जाती हैं, बहुत मुश्किल से खुलती हैं दोस्तों। क्लाइंट को खोलने का भी ज़रूर बताएं, नहीं तो वो कल आपको बहुत याद करेंगे। अगर आपने
अपने ऊपर आपने इसको अप्लाई किया तो आपको पता चलेगा कि फाइन पिंस जहाँ भी आप लगाते हैं काफ़ी टाइटली सिक्योर कर लेती हैं आपके सेक्शन को। सारी जुड़ा पिन एंड फाइन पिन जो हमने लगाई थी होल्डिंग के लिए सारी रिमूव कर लेते हैं क्योंकि पैटर्न क्लियर है बन चुका है और होल्ड स्प्रे से हम जस्ट उनको फिक्स कर रहे हैं। छोटी छोटी फाइन पिंस यूज़ कर रहे हैं लॉकिंग के लिए। ये रेस्ट ऑफ सेक्शन को भी ट्विस्ट करेंगे, जस्ट लो पॉइंट पे बेस के अंदर ही आपने इसको छुपा देना है जस्ट डाउन पार्ट पे। ये देखिए फाइन पिन हम यूज़ कर रहे हैं इसकी लॉकिंग के लिए भी। इसको जस्ट 2 and 3 times हम इसको पहले इस छोर से उस कॉर्नर तक ले गए, उस कॉर्नर से फिर इस कॉर्नर पे लेके आएंगे एंड देन अगेन फिर उसी कॉर्नर की तरफ चले जाएंगे। मींस 2-3 times आपने इसको राउंड आपने इसको करना है एंड इसको आपने बेस के साथ में ही लॉक कर लेना है। टाइट करके लॉक करें, फाइन पिन से लॉक करें ताकि ये निकले ना जल्दी से। ये देखिए छोटी छोटी फाइन पिन हम इसके लॉकिंग के लिए लगा रहे हैं बिल्कुल लो पॉइंट पे ताकि ये दिखे ना। ये देखिए तो हमने ये सारे सेक्शन को वाइट कर लिया है। देन चलते हैं साइड की तरफ। ये इनके छोटे छोटे हेयर्स थे, इनकी फ्रिंजेस भी कटी हुई है, काफ़ी ब्रेकेज हेयर भी थे तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली वॉक कर रहे हैं। साइड पे डेंसिटी थोड़ी कम थी इसलिए हमने ये साइड का सेक्शन छोटा हुआ था इनके फेस को फ्रेमिंग के लिए भी। अब इनके फेस फ्रेमिंग के लिए साइड से भी हम हेयर छोड़ने वाले हैं ताकि फेस पे थोड़ी कवरेज आए। ये देखिए छोड़ लिया है सेक्शन और इस सेक्शन को बैकवर्ड की तरफ प्ले करेंगे, साइड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे। इसको हम स्प्रेड करते हुए बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे, पुलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे फॉर लाइंस के लिए। पहले हल्का सा इसको बैक कॉम करेंगे ऑन रूट एरिया ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो। ये देखिए सेक्शन को कॉम किया, बैक कॉम ऑन रूट एरिया एंड देन होल्डिंग स्प्रे। ये देखिए होल्डिंग स्प्रे और इसको जस्ट बैकवर्ड की तरफ आपने प्ले करना है, कॉम करेंगे एंड जस्ट हल्का सा पीछे, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देना, आउट ऑफ फेस नहीं करना आपने स्टाइलिंग को। फेस के अकॉर्डिंगली ओसिस का स्प्रे किया अभी फॉर शाइनिंग के लिए। इसको बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे, ये देखिए कॉम कर रहे हैं, ध्यान से कॉम करना, आराम से कॉम करना, फेस के अकॉर्डिंगली स्प्रेडिंग करी। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए थोड़ा साइड में देखते हैं। इसको कॉम करेंगे, इसको आप स्प्रेडिंग भी कर सकते हैं, जस्ट जो टॉप एरिया पे जो लेयरिंग है उसी के साथ में हम इसको मर्ज करने वाले हैं। ये क्लासेस का वीडियो है दोस्तों, जब हम क्लासेस के डेमो क्लासेस देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने उस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। क्योंकि ये स्टाइलिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप लाइव मॉडल के ऊपर भी बनाएं, तो मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड करी जाए आप लोगों के लिए। तो ये लेयर्स आपने इस तरीके से बना लेनी है, जो टॉप एरिया पे जो लेयर्स है उसके साथ में ये कनेक्टेड हो जाएंगे एंड इस सेक्शन को आपने साइड कॉर्नर पे ले जाते हुए आपने इसको लॉक करना है। ये फाइन पिन से हम इसको लॉक कर रहे हैं वुडन स्टिक की मदद से और उसको जस्ट आपने कॉर्नर टू कॉर्नर ले जाना है। जो वही पैटर्न आपने बनाया उसी से मर्ज होते हुए ये पैटर्न जो है कॉर्नर टू कॉर्नर जाएगा और जस्ट हम इसको पीछे ले जाएंगे। फाइन पिन से हम इसको लॉक कर रहे हैं, इजीली लॉक हो जाएगा और जल्दी से खुलेगा भी नहीं। बड़ी सफाई से आपने वर्क करना है, छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स एंड जो एजिस पॉइंट है उनको बेस में ही इंसर्ट करें ताकि आपकी स्टाइलिंग नीट लगे। देन ये फेस फ्रेमिंग के लिए जो सेक्शन हमने छोड़े हुए हैं इनको आपने कर्ल्स पैटर्न में कन्वर्ट करना है। इसको हल्का सा आपने बैक कॉम करना है रूट एरिया एंड टोंग करना है इसको पीछे की तरफ। ये फ्रंट के लिए फेस फ्रेमिंग के लिए छोड़ा था लेकिन ये क्लाइंट को प्रॉब्लम कर सकता है, फेस बार बार आइस के ऊपर आ रहा था, हम इसको पीछे की तरफ ही ले जाएंगे, इसको लॉक कर लेंगे। क्लाइंट अगर कंफर्टेबल है तो आप छोड़ सकते हो। इसको बैकवर्ड की तरफ हम टोंग कर रहे हैं और अदर साइड वाले सेक्शन को भी आपने पीछे की तरफ नेचुरल फॉल के अकॉर्डिंगली पीछे की तरफ आउटवर्ड की तरफ टोंग करना है एंड देन इसको जो आपने स्प्रेडिंग करी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको सेट कर रहे हैं फेस लुक के अकॉर्डिंग। नेचुरल अच्छा लगता है लेकिन अगर क्लाइंट जैसे फंक्शन में जाते हैं तो इतना भी नहीं छोड़ सकते हैं कि वो बार बार इरिटेट करे, आइस के ऊपर आएगा तो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमने इसको जस्ट बैकवर्ड की तरफ ही ले जाना है, सेक्शन उतना ही छोड़े जो क्लाइंट के फील उसको सूट करे, कम्फर्ट रहे, क्लाइंट कम्फर्टेबल फील हो, क्लाइंट को उसको यूज़ कर सके या उसको हैंडल कर सके। तो इसको भी हम जस्ट बैकवर्ड की तरफ प्लेस कर रहे हैं स्प्रेडिंग करके
और फॉल मेंटेन कर रहे हैं ताकि फोरहेड इनका थोड़ा सा कवर हो। वैसे फोरहेड छोटा है बट हम इसको फॉल की तरफ लुक दे रहे हैं ताकि लुक थोड़ा अच्छा लग रहा था फॉल की तरफ इनका। ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं, वो भी सूट कर रहा था, लेकिन इस हेयर स्टाइलिंग पैटर्न के साथ में फॉल भी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हमने फॉल में इनको लुक दिया हुआ है। फेस थोड़ा सा हैवी है तो इसलिए हमने इनको जोशी शेप में दिया, उसको भी थोड़ा सा आउटर रखा आपके नेक से थोड़ा बाहर ताकि फेस कवरेज आए। फेस फ्रेमिंग के लिए भी हमने सेक्शन छोड़े हुए हैं। एंड देन ये बीट्स आपने डीप डीप पॉइंट्स में लगा देने हैं। हेयर एसेसरीज ये देखिए, जहाँ जहाँ पे आपके ये खाली पोर्शन या बीच बीच में आपके डीप पॉइंट्स बसते हैं, बीच बीच में आपने सेम गैपिंग में लगा लेने हैं। इस तरह के बीट्स आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए, सो इस तरीके से आप लोगों ने ये हेयर स्टाइलिंग बनानी है। ये है कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग। सो कुछ ये फ़ोटोग्राफ्स हैं दोस्तों जो हमने आफ्टर हेयर स्टाइलिंग खींची थी। सो दोस्तों ये है कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल घंटे को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों इस तरह के हेयर स्टाइलिंग हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी या मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक डिसलाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें पता चलता है हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, सो प्लीज़ इसमें रिएक्ट ज़रूर करें, रिएक्शन ज़रूर दें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रही, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो दोस्तों तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।